हेलो एवरीवन, आज के सेशन में मेडिवल हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर किए जाएंगे। और ये टॉप 50 क्वेश्चंस जो है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सेलेक्टिव क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन बिल्कुल पूछे गए हैं और पूछने के चांसेस है, बस उतने ही क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। और ये आपका मॉक टेस्ट होगा। क्वेश्चन आपको आए तो खुद से ज़रूर से प्रयास करिएगा। खुद से करने से प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है और वो क्वेश्चन हमेशा याद रहता है और कॉन्फिडेंट बना रहता है। टॉप 50 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेनिस यात्री मार्को पोलो ने किस दक्षिण भारतीय राज्य की यात्रा की थी? आंसर करिए, मार्को पोलो ने किस दक्षिण भारतीय राज्य की यात्रा की थी? आंसर होगा पांड्य राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक, आंसर आ रही है आप लोगों को तो खुद से करते रहें। सही जवाब होगा तुर्कों को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तुर्कों। नेक्स्ट, प्राचीन भारत की अपेक्षा मध्यकालीन भारत का इतिहास अधिक सरलता से जाना जा सकता है, जिसका मुख्य कारण है, क्या मुख्य कारण है? आंसर होगा साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता, साहित्यिक स्रोतों की उपलब्धता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, अरबों के द्वारा सिंध की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना से सर्वप्रथम मिलता है? बताइए किससे मिलता है? सही जवाब होगा चचनामा, चचनामा से मिलता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तबकाते नासिरी जिसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय और दिल्ली सल्तनत का 1260 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है, इसका लेखक कौन था? बताइए लेखक कौन था? राइट आंसर होगा मिन्हाज उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख उल हिंद जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया जाता है, इसके लेखक कौन है? बताइए कौन है लेखक इसके? अलबरूनी, ऑप्शन डी अलबरूनी। नेक्स्ट, मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद का आसीन था, उसने किस पुस्तक की रचना की थी? बताइए किस पुस्तक की रचना की? सही जवाब होगा किताब उल रहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिला होगा, किताब उल रहला की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस विदेशी यात्री को प्रकृति प्रेमी माना जाता है जिसने अपनी रचनाओं में भी पशु पक्षियों वनस्पति आदि का सुंदर वर्णन किया है? आंसर होगा इब्न बतूता से संबंधित क्वेश्चन कई बार देखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेन पूल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य नहीं है? बताइए किसकी आत्मकथा के बारे में लेन पूल ने लिखा है? सही जवाब होगा बाबर की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा किसकी रचना है? ये तो सभी आंसर कर रहे होंगे फटाफट, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादशाह नामा में किस मुगल सम्राट के राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है? पादशाह नामा में सही जवाब होगा शाहजहां, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अकबरनामा की रचना किसने की है? अबुल फजल ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में, कई बार ये पूछा जा चुका है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज़ाक जो है वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों के द्वारा भारत विजय का कारण क्या था? आंसर होगा देश में किसी सर्वोच्च शक्ति का अभाव,
सिंध शासक दाहिर की अदूरदर्शिता, मुसलमान नेतृत्व का कुशल होना, तो जो कारण था वो ये तीनों ही था, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर टू, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का राजा कौन था? बताइए, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध का राजा कौन था? सही जवाब होगा दाहिर। जिन लोगों ने दाहिर पे आंसर किया है, बिल्कुल सही उनका जवाब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसके नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर पहला सफल अभियान किया? बताइए, किसके नेतृत्व में किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर फोर, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? सही जवाब होगा देवल को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभियान के दौरान उस क्षेत्र को जीतकर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिरी की दूसरी विधवा पत्नी लाड देवी और दाहिरी की दो पुत्रियों सूर्या देवी और परमल देवी को बंदी बना करके दशमिक में खलीफा के पास भेजा, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बनी? किस अभियान के दौरान ये चीज़ें किया? आंसर करिए। जिसका जवाब ब्रह्मणाबाद आ रहा है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्रह्मणाबाद। नेक्स्ट, सिंध की विजय के प्रभाव के संबंध में किसने कहा कि सिंध को अरबों ने विजित तो किया किंतु ये विजय ऐतिहासिक और इस्लाम धर्म की घटना मात्र ही रही? बताइए, सिंध की विजय के प्रभाव के संबंध में किसने ये कहा था? सही जवाब होगा लेन पूल ने कहा था, ऑप्शन ए, लेन पूल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बताइए किस अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया है? जिसका भी आंसर आ रहा है कलीला वाद मिन्ना, वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबों ने सिंध में किन दो का प्रचलन प्रारंभ किया है? अरबों ने सिंध में किन दो का प्रचलन प्रारंभ किया था? सही जवाब होगा ऊँट पालन और खजूर उत्पादन, ऊँट पालन और खजूर उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे कौन थे? मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर सर्वप्रथम, सबने आंसर कर दिया होगा, सही जवाब होगा अरब के आक्रमणकारी थे। ये यूपी लोअर पीसीएस के प्रीलिम्स का क्वेश्चन रह चुका है, क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? पहला मुस्लिम आक्रमण, सबने आंसर किया होगा इसको, तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 711 ईस्वी में हुआ था पहला मुस्लिम आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध विजय कब हुई थी? राइट आंसर होगा 712 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा या फिर कौन से भारत में अरबों की विजय का परिणाम था? बताइए कौन सा परिणाम था, ये बिल्कुल स्टेटमेंट वाली है, तीन स्टेटमेंट है आपके पास। हिंदू समाज में मध्यपान तथा मांसाहार बढ़ा, शूद्रों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति, तीसरा है अरब ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद। नीचे कोड है, कोड के जरिए अपना अपना आंसर करिए। राइट आंसर होगा पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला? बहुत इंपॉर्टेंट है, जजिया कर वसूला किस आक्रमणकारी ने? सही जवाब होगा मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? चोल प्रशासन की, बताइए, सही जवाब होगा ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के इतिहास के संदर्भ में ये शब्द है, ये वितरण है, एरीपत्ति भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दिए गए ग्राम, घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। तो बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित है? जो सुमेलित है वही आपका सही आंसर होगा, तो राइट आंसर होगा पहला और तीसरा जो है ये सुमेलित है, यानी ऑप्शन
डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्वर्धन भक्ति अवस्था अवस्थित थी. पुनर्वर्धन भुक्ति, सॉरी भुक्ति अवस्थित थी. कहाँ पे अवस्थित थी पुनर्वर्धन भुक्ति? सही जवाब होगा उत्तर बंगाल में. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चोल काल के वे लाल होते थे. कौन होते थे? बड़े भूस्वामी. चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? बताइए कौन देखता था चोल शासकों के शासनकाल में वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य? सही जवाब होगा टोटवरियम देखता था. टोटवरियम इज द राइट आंसर. निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी थी? ये तो सबने आंसर किया होगा, दंती दुर्ग ने रखी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों के शासनकाल में श्रीलंका एवं दक्षिण भारत के मध्य मुक्त व्यापार का केंद्र कौन सा बंदरगाह था? बताइए, कैंटर का बंदरगाह था. कैंटर का बंदरगाह. बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव है वो तो आते ही रहेंगे, साथ में आपको क्वेश्चन सीरीज भी हमेशा मिलती रहेगी ताकि बैलेंस बनता रहे, आप एक्टिवेट रहे और क्वेश्चन आंसर भी करते रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे. तो बीच बीच में आपके मॉक टेस्ट भी आते ही रहेंगे. अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? बताइए किस कला का उदाहरण है? चोल कला का उदाहरण है. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. कई बार पूछा है, UPPCS प्रीलिम्स में भी और IAS में भी पूछा है. जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम है. किसका प्राचीन नाम है जेजाक भुक्ति? इन दोनों ऑप्शन में से कोई है क्या? बघेलखंड का? नहीं, बुंदेलखंड का है. ऑप्शन बी बुंदेलखंड का है प्राचीन नाम. विदर्भ का नहीं है, मालवा का भी नहीं है. ये मेंस का क्वेश्चन रह चुका है, आप देख सकते हैं. ये निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा राजवंश अपनी नौसेना शक्ति हेतु प्रसिद्ध था? बताइए. चोल. कई बार पूछा है ये. चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी. बताइए वो कौन था? वो राजराज प्रथम था. नेक्स्ट, चोल राजाओं में किस एक के श्रीलंका सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? चोल राजाओं में किस एक ने श्रीलंका के सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? बताइए, राजेंद्र प्रथम ने प्राप्त की थी. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था. कहाँ पे हुआ था तक्कोलम का युद्ध? सही जवाब होगा चोल व राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था तक्कोलम का युद्ध. नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? बताइए किसके द्वारा डाली गई? विजयालय के द्वारा डाली गई. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? बताइए फटाफट से, कौन था? चोल था, चालुक्य था, पल्लव था या राष्ट्रकूट था? कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं. अगर आप लोग को याद होगा, आप अगर ए पे आंसर कर रहे होंगे चोल पे, तो बिल्कुल सही आपका जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन की बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे शिलालेख कहाँ हैं? बताइए. सही जवाब होगा उत्तर मैलूर में. IAS का क्वेश्चन रह चुका है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? बताइए. सही जवाब होगा कुलोत्तुंग फर्स्ट के कार्यकाल में भेजे गए थे. नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब आक्रमणकारी था, इसके बाद भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था कौन? बताइए. सुबुक्तगीन था. ऑप्शन ए सुबुक्तगीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्कों ने सर्वप्रथम किस भारतीय शासक को पराजित किया था? जयपाल को पराजित किया था. ऑप्शन सी. खुद से आंसर करते रहे आप सभी. महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 तक कुल 17 बार आक्रमण किया.
उसके इतने अधिक आक्रमणों का उद्देश्य क्या था, बताइए। सभी आंसर कर चुके होंगे, धन लूटना था, सिंपली धन लूटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1025-26 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, बताइए। सभी को ये आंसर मालूम होगा, भीम प्रथम था वहां का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान था, क्या था, कहां पर था अंतिम अभियान 1027 में महमूद गजनवी का। सबके आंसर आ चुके होंगे, जाटों पर था, जाटों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था, सही जवाब होगा अलबरूनी आया था, अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरदौसी की रचना का नाम क्या था, बताइए। फिरदौसी की रचना का नाम क्या था, राइट आंसर होगा शाहनामा था, शाहनामा इज द राइट आंसर। तो चलिए इस सेशन में बस इतना ही, जैसा कि मैंने कहा था कि टॉप 50 क्वेश्चंस है ये, और ये बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलेंगे क्योंकि ये बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है। अगले सेशन में मिलते हैं और इस तरीके के मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे और मेडिवल हिस्ट्री के और भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी मैं लेकर के आऊँगी। मिलते हैं अगले सेशन में।